मूवी की शुरुआत में हाशिमोटो के बारे में बताया जाता है, जो कि गिंजा टोक्यो में रहता है, जिसकी उम्र करीब 45 साल की है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके पास पैसे की बहुत दिक्कत होती है। एक सुबह जब वो कपड़े धोने के लिए अपनी लॉन्ड्री में जाता है, तो जैसे ही वो कपड़े ड्रायर में डालता है, तो सोचता है कि काश एक कैन का बियर मिल जाता और मैं उसको पी सकता। तभी उसे ड्रायर के अंदर से बहुत तेज गिरने की आवाज आती है, और जैसे ही वो देखता है तो वहां पर एक कैन का बियर होता है। शुरुआत में तो हाशिमोटो को लगता है कि कोई उस बियर के कैन को गलती से वहाँ छोड़ गया होगा, पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि बियर तो ठंडी है। तभी लॉन्ड्री के जो पुराने सफाई करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ये ड्रायर सबकी इच्छा पूरी करता है। हाशिमोटो सोचता है कि ये कोई पागल होगा और उसकी बातों को अनसुना कर देता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसके पास जाकर कहता है कि वो सच कह रहा है। जब वो आदमी चला जाता है, तब हाशिमोटो वो बियर का कैन पीता है और कपड़े सूखने का इंतजार कर रहा होता है। फिर एक लड़की उस रूम में आती है और अपने कपड़े ड्रायर में डालती है। हाशिमोटो को कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी, जिसके कारण वो पूरी जिंदगी अकेला ही रहा था। वो अपनी सीट से थोड़ा खिसक कर बैठता है ताकि उस लड़की के लिए जगह हो सके। वो लड़की उसके पास बैठती है और उससे बातचीत शुरू करती है। उस लड़की ने उसे लॉन्ड्री में बहुत बार देखा था और उसे वो पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर हाशिमोटो इन सब से बेखबर होता है। वो उस काली कैन को डस्टबिन में डालता है, पर वो नीचे गिर जाता है। जब वो उस कैन को उठाने के लिए जाता है, तभी वो लड़की रोने लगती है। ये देखकर हाशिमोटो उससे रोने की वजह पूछता है, तो लड़की कहती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था, पर वो किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुई। हाशिमोटो उसे अच्छा फील करवाने के लिए कहता है कि उसकी भी नौकरी चली गई है, और उसे लगता है क्योंकि वो इतने सारे कंपनियों में इंटरव्यू दे चुकी है, तो उसके पास बहुत ही अनुभव है इंटरव्यू का, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। ये सुनकर वो लड़की अपनी सिचुएशन को अलग तरीके से देखने लगती है। फिर लड़की इसको थैंक यू कहती है, क्योंकि हाशिमोटो ने उससे अच्छे से बात की होती है, बावजूद इसके कि वो एक अनजान लड़की है। उसके बाद हाशिमोटो अपने कपड़े ड्रायर से निकालता है और उसे बाय कहता है। जब वो जाने लगता है, तो वो लड़की अपना नाम कोंडो बताती है। इसके बाद वो घर चला जाता है। फिर रात में उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ उसको बोलती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1882 रुपए चाहिए। अब उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, पर उसके पास ना ही नौकरी होती है और ना ही कोई बचत। फिर भी वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो पैसे भेज देगा और जल्दी आने की कोशिश करेगा। अगली सुबह वो लॉन्ड्री में फिर से जाता है। उसे ये बात तो मालूम थी कि वो बूढ़ा आदमी उससे मजाक कर रहा था, लेकिन वो फिर भी एक बार चेक करता है कि ये सचमुच में जादुई मशीन है कि नहीं। वो ड्रायर के सामने खड़ा हो जाता है और उससे पैसे मांगता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि ये कितनी फालतू आइडिया थी, और वो बाहर जाने लगता है। तभी एक पैसे का बंडल ड्रायर के अंदर दिखता है। हाशिमोटो पैसे को बाहर निकालता है, पर उसे ये विश्वास नहीं होता कि ये हकीकत है। फिर वो देखता है कि उस बंडल में उतने ही पैसे हैं जितने उसने मांगे थे। जब वो बाहर पैसे लेके जाने लगता है, तब वो देखता है कि जो बियर का कैन उसने कल पिया था, वो गायब हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि जो भी सामान वो उससे निकालेगा, वो एक दिन के अंदर गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको सावधान रहना होगा। हाशिमोटो उसको थैंक यू कहकर बाहर भाग जाता है। फिर कोंडो उसे टकरा जाती है और उसे बताती है कि उसे दूसरी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जो कि उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। हाशिमोटो उसे मुबारक देता है और फिर उसकी माँ का कॉल दोबारा आता है। कोंडो कॉल पे हुई सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हाशिमोटो के पापा बीमार हैं। और कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों कुछ देर तक बातचीत भी करते हैं, और फिर वो पैसे लेकर जल्दी चला जाता है ताकि वो पैसे गायब होने से पहले वो भेज सके। इन सब के बाद वो लॉन्ड्री की जगह फिर से जाता है, और वो सोचता है कि उसकी सारी तकलीफें इस ड्रायर से खत्म हो जाएंगी। इस बार वो ड्रायर से सूट मांगता है, जो कि वो अपने जॉब इंटरव्यू में पहन सके, और फिर वो उस पूरे दिन बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है। पर जब वो घर पहुंचता है, तो उसे कंपनियों के लेटर मिलते हैं कि उसे कहीं भी नौकरी के लिए नहीं चुना गया है, और फिर वो सूट उसके सामने गायब हो जाता है। अब हारने के बाद उसे ये एहसास होता है कि उसके पास तो पैसे की कमी है नहीं, उसके पास तो सारे पैसे आने का जरिया भी है, तो उसे ही अपनाया जाए और नौकरी खोजने में टाइम बर्बाद क्यों किया जाए। वो सोचता है कि मुझे अब अपनी जिंदगी मस्ती से जीनी चाहिए। तो अब दूसरी सुबह वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है, और वो इस बात का ध्यान रखता है कि कोई उसके आसपास है तो नहीं। फिर वो एक सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की मांगता है, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो लड़की एक मॉडल जैसी होनी चाहिए, जिसे देखकर सभी को जलन हो। वैसे ही एक मॉडल ड्रायर से बाहर आती है, और उसे देखकर हाशिमोटो खुश हो जाता है, और वो उस लड़की के पास जाकर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। पर वो लड़की उसको एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो पहली मुलाकात में काफी ज्यादा बोल रहा होता है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। अब ये देखकर वो चौंक जाता है, और अपनी गलती से सीखने के बाद वो एक और प्यारी और सुंदर लड़की मांगता है, जो कि उसे बहुत प्यार करे। वो जैसे ही कहता है, तो एक सुंदर लड़की उस डैड से बाहर आती है, और वो लड़की उसके साथ घूमने के लिए भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। ये देखकर तो हाशिमोटो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उसके बाद उसको शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है, और डैड से निकले हुए पैसे से वो उसके लिए काफी सारी चीजें खरीदता है, जो भी वो चाहती है। जो भी इंसान उस डैड से निकलता है, उसे ये मालूम नहीं होता कि वो कहाँ से आया है, और उन्हें यही लगता है कि वो असली इंसान है।
अब दिन के आखिरी में हाशिमोटो उस लड़की को अपने घर लेके जाता है। वो उसके करीब जाने से डर रहा होता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरी रात उससे बातें करेगा। और फिर हाशिमोटो की हथेली को देखकर वो लड़की ये कहने लगती है कि उसकी जिंदगी काफी छोटी है। ये सुनकर वो अपना हाथ हटा लेता है और उसकी बात को अनसुना कर देता है। जब सुबह होती है तो हिम्मत करके उसको किस करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो किस कर पाता वो लड़की गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े और गहने वहाँ पर रह जाते हैं जो कि हाशिमोटो ने खरीदे थे। उसे उस लड़की से लगभग प्यार हो ही जाता है, पर वो दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास बहुत सारी लड़कियां आने का ऑप्शन रहता है। अब वो तो खुश है कि उसे जितनी भी गर्लफ्रेंड चाहिए वो सब मिल जाएंगी। उस दिन से वो हर रोज एक नई लड़की मांगने लगता है और हर लड़की अलग अलग स्वभाव की निकलती है। वो उसको घुमाने के लिए लेके जाता है और उन्हें महंगे कपड़े खरीद कर देता है, वो भी ड्रायर के पैसे से। वो अपनी जिंदगी अब बहुत ही मजे से जीने लगता है कि एक दिन वो एक नई लड़की के साथ घूम रहा होता है कि उसी वक्त कोंडो उसको देख लेती है। कोंडो को जलन होती है और वो उनका पीछा गहने की दुकान तक करती है। अब ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है कि हाशिमोटो ने उस लड़की को बहुत ही महंगी अंगूठी दी है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। साथ ही साथ उसे ये समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसे वो कमा कहां से रहा है, वो भी इतने कम दिनों में। और जब वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है तो वहां कोंडो भी उसको मिलती है और वो उसको पैसे के बारे में पूछती है। ये सुनकर हाशिमोटो उसको कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी। अब कोंडो को ये मालूम चलता है कि हाशिमोटो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी है जिसे उसने देखा था। कोंडो ये सोचने लगती है कि वो लड़की उसको बर्बाद कर देगी और वो उसको पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाशिमोटो ये सब बात नहीं मानता और पैसे लेकर चला जाता है। उसके बाद वो फिर से एक और बार घूमने जाता है और उस लड़की को रेस्टोरेंट की छत पर लेके जाकर उसको अंगूठी पहनाता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब कुछ देर बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी अंगूठी रह जाती है। अब हमेशा की तरह हाशिमोटो वो अंगूठी उठाकर रख लेता है क्योंकि वो हमेशा से एक मासूम लड़की मांगता था, तो उसने सोचा कि इस बार एक सेडक्टिव लड़की मांगता हूँ। अब ये मांग करते एक लड़की बाहर आती है और फिर जैसे ही वो लड़की उसके साथ प्यार करने लगती है तभी कोंडो वहाँ पहुँच जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि हाशिमोटो उसको बहुत सारी अंगूठी दे रहा है जो कि उसने अभी तक इकट्ठा किए थे। तभी हाशिमोटो की माँ का कॉल आता है और वो उस लड़की को थोड़ा रुकने के लिए कहता है, पर जब वो बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है। कोंडो ये देखकर कमरे के अंदर जाती है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। वो उस लड़की से पूछती है कि तुमने पुराने हाशिमोटो को क्या कर दिया है। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कोंडो को बाहर जाने के लिए कहती है। कोंडो उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त उधर हाशिमोटो अपनी माँ से बात कर रहा है। उसकी माँ उससे कहती है कि हो सकता है उसके पापा को ऑपरेशन की जरूरत हो, पर उन्हें पैसे से ज्यादा उसी की जरूरत है। अब वो तो अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल में मस्त लगा हुआ है। कॉल खत्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि वो एक बात बताना भूल गया था कि ड्रायर से कोई भी इंसान आएगा तो वो एक दिन में गायब हो जाएगा। अब हाशिमोटो हंसने लगता है और बोलता है कि उसे ये बात तो मालूम है। लॉन्ड्री के रूम में वो लड़कियां अभी भी लड़ रही होती है। अब आखिर में वो नई लड़की वहां से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हाशिमोटो उसको धोखा दे रहा है। हाशिमोटो जब वापस आता है तो देखता है कि कोंडो रो रही है और वो ये ख्वाहिश करती है कि काश जिस लड़के से वो कुछ दिन पहले मिली थी वो वापस आ जाए। उसकी इस मांग की वजह से हाशिमोटो उस ड्रायर के अंदर चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसने वो कपड़े पहने होते हैं जो कि उसने पहले दिन पहने थे जब वो कोंडा से पहली बार मिला था। हाशिमोटो को ये पता चल जाता है कि ड्रायर ने कोंडो की इच्छा मान ली है और अब वो क्योंकि ड्रायर से बाहर आया है तो उसके पास सिर्फ एक ही दिन है जीने के लिए। उसी वक्त टीवी में ये खबर आ रही होती है कि करीब 626 रुपए गहने की दुकान से गायब हो गए हैं और मूवी के आखिरी में हाशिमोटो जमीन पर गिर जाता है और कोंडा हाशिमोटो को देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। और दोस्तों ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।